कोई भी खिलाड़ी वर्ल्ड क्रिकेट में अपने नाम नहीं बल्कि अपने काम से ज़्यादा जाना जाता है। अगर किसी को वर्ल्ड क्रिकेट में अपनी पहचान बनानी है तो उसको कोई अनोखा चमत्कार, कोई अनोखा कारनामा करना पड़ता है। ऐसा ही कुछ निकोलस पूरन ने भी करके दिखाया है। क्या कुछ उस खिलाड़ी ने कर दिया है, कौन सा इतिहास रच दिया है, चलिए आपको बताते हैं इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ नेशन स्पोर्ट्स में। मैं हूँ आपके साथ श्रद्धा पांडे। CPL यानी कैरेबियन प्रीमियर लीग इस वक्त चल रही है और कैरेबियन प्रीमियर लीग में निकोलस पूरन ने एक बहुत बड़ा कीर्तिमान रच दिया है। दरअसल निकोलस पूरन ने हाल ही में मैच में बड़ा ही ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म किया जब उन्होंने 43 बॉल्स में 97 रन्स बना दिए जिसमें उन्होंने 9 छक्के लगाए। आप सोचिए कितने ज़्यादा वो छक्कों के मामले में पर्टिकुलर है कि उन्होंने 9 छक्के लगाए। और हमेशा निकोलस पूरन की जो पहचान है वो छक्कों से ही करी जाती है क्योंकि उनकी जो सिक्स हिटिंग एबिलिटी है, जो उनकी सिक्स हिटिंग पावर है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। और कैरेबियन प्रीमियर लीग में भी हमें ऐसा ही कुछ देखने को मिला जब निकोलस पूरन ने लगातार 9 छक्के लगाए और 97 रन्स बना दिए। ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया और एक बहुत बड़ा कीर्तिमान उन्होंने रच दिया। दरअसल एक रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया है, क्रिस गेल का, जो यूनिवर्स बॉस जिनको कहा जाता है, उनका एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दरअसल यूनिवर्स बॉस यानी क्रिस गेल ने साल 2015 में 139 सिक्सेस लगाए थे 135 सिक्सेस लगाए थे एक कैलेंडर ईयर में। वहीं हम निकोलस पूरन ने 139 सिक्सेस लगा दिए हैं एक कैलेंडर ईयर में यानी 2024 में। जो कारनामा यूनिवर्स बॉस ने 2015 में करा था वही कारनामा या उससे ज़्यादा बड़ा कारनामा अब निकोलस पूरन ने साल 2024 में कर दिया है। निकोलस पूरन सिक्स हिटिंग एबिलिटी से ज़बरदस्त तरीके से जाने जाते हैं। IPL 2024 में निकोलस पूरन का जो प्रदर्शन रहा वो भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन रहा। जिस तरीके से वो पारी को चलाना जानते हैं वो हमने कई बार देखा है। वेस्ट इंडीज़ की टीम में भी हमने उनको कई बार देखा है जब वो बड़े बड़े हिट्स, बड़े बड़े शॉट्स लगाते हुए नज़र आते हैं। निकोलस पूरन का IPL 2024 का अगर प्रदर्शन की बात करें तो काफ़ी ज़बरदस्त स्ट्राइक रेट से उन्होंने परफॉर्म किया है। लगभग 250 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने परफॉर्म किया है। IPL 2023 में भी उनका स्ट्राइक रेट ऐसा ही रहा और अभी CPL वाले इस मैच में भी उनका स्ट्राइक रेट 225 के अराउंड का रहा। तो आप सोचिए निकोलस पूरन 200 से कम का स्ट्राइक रेट तो करते ही नहीं है, मतलब 200 के कम के स्ट्राइक रेट से खेलते ही नहीं है। वो छक्कों के मामले में अगर बात करें तो बहुत ही ज़्यादा पर्टिकुलर नज़र आते हैं। जब उन्होंने 9 छक्के लगाए तो उसके बाद वो रुके नहीं, हालांकि शतक से ज़रूर चूक गए क्योंकि 97 रन्स बनाए उन्होंने, शतक से चूक गए। लेकिन फिर भी यूनिवर्स बॉस का उन्होंने रिकॉर्ड, सिक्सेस का जो रिकॉर्ड है वो तोड़ दिया। तो पूरन से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें रहेंगी। और IPL 2025 की बात करें तो निकोलस पूरन लखनऊ सुपर जायंट्स के जो कप्तान की जो रेस है, कप्तानी की जो रेस है, उसमें सबसे आगे चल रहा है क्योंकि KL राहुल को रिटेन नहीं करेगी शायद लखनऊ की टीम। जहां तक अभी तक सोर्सेज के अकॉर्डिंग जो खबरें निकल कर आई है कि शायद KL राहुल को एज अ कैप्टन LSG की टीम रिटेन ना करे। अगर KL राहुल नहीं होते हैं तो अब निकोलस पूरन रेस में सबसे ज़्यादा आगे हैं कि निकोलस पूरन को IPL 2025 में लखनऊ की टीम संभालने का मौका मिल सकता है। और निकोलस पूरन बखूबी उस मौके को निभाएंगे क्योंकि निकोलस पूरन को 2022 में करीबन 16 करोड़ में ख़रीदा था LSG की टीम ने और काफ़ी ज़्यादा खर्चा किया था। जब उन पर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठे थे क्या निकोलस पूरन के लिए इतना खर्चा क्यों करा लखनऊ की टीम ने, लेकिन IPL 2022 में, IPL 2023 में और IPL 2024 में, इन तीनों ही टाइम में निकोलस पूरन ने वो दिखा दिया कि भाई उन पर क्या दमखम है। और अब देखिए IPL 2025 में भी वो कमान संभालने जा रहे हैं लखनऊ की टीम की। अब आप कमेंट्स करके बताइए क्या लग रहा है कि निकोलस पूरन आगे भी ऐसे बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बनाते रहेंगे और ये जो सिक्स हिटिंग एबिलिटी है उनकी, क्या IPL 2025 में भी एक काम आएगी, क्या कारगर साबित होगी या फिर नहीं। कमेंट्स करके अपनी राय मुझे उसमें जरूर दीजिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।